नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली हमें पता चल गया है कि सीएससी से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से अंगूठे से किसानों की ई केवाईसी क्यों नहीं हो पा रही। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके आधार नंबर लेके ओटीपी लेके हम कैप्चर फॉर ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं, जो हमारी बायोमेट्रिक मशीन है वो नहीं जलती है। हमने यहाँ पर मोर्फो मशीन से ट्राई कर लिया, मंत्रा मशीन से ट्राई कर लिया, सभी मशीन से ट्राई कर लिया है। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आपको कन्फर्म बताने वाला हूँ कि ये जो मशीन है मोर्फो हो गई या फिर मंत्रा हो गई, ये क्यों वर्क नहीं कर रही, क्या कारण है कि ये मशीन वर्क नहीं कर रही। हमारे पास में फाइनली इसका बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज आ गई है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कौन सा रीजन है जिसकी वजह से किसानों की ई केवाईसी सीएससी पोर्टल से नहीं हो पा रही। तो हम जानने के लिए सिंपली क्या करते हैं, दिनेश त्यागी जी का एक ट्विटर हैंडल है, उस पर चलते हैं। और अभी आप देखोगे, अभी रिसेंटली में दोस्तों यहां पर एक ट्वीट किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला ट्वीट। तो सिंपली इस ट्वीट को हम यहां से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में गूगल ट्रांसलेशन पर चलते हैं, और गूगल ट्रांसलेशन पर चलने के बाद में इस ट्वीट को हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है प्रिय वियली पीएम किसान के लिए ई केवाईसी सीएससी के माध्यम से सक्षम है, यानी कि सीएससी के माध्यम से आप किसानों की ई केवाईसी कर सकते हैं। वर्तमान में आप केवल स्टैटिक बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके ही आप काम कर पाओगे, यानी कि इस टाइम में अगर आप किसानों की ई केवाईसी कर पाओगे तो जिसके पास में स्टैटिक बायोमेट्रिक डिवाइस है उसी से आप ई केवाईसी कर पाओगे। अगर आपके पास में मोर्फो मशीन है या फिर मंत्रा मशीन है, आपकी ये दोनों ही मशीन अभी काम नहीं करेगी। जिसके पास में स्टैटिक बायोमेट्रिक मशीन है उसी से आप ई केवाईसी कर पाओगे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है और जल्द ही अन्य भी सक्षम हो जाएगी, यानी कि फिलहाल तो आप ओनली स्टैटिक जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसी से आप काम कर पाओगे, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्द ही जो अदर डिवाइस है मोर्फो होगी या मंत्रा होगी वो भी यहां पर सक्षम कर दी जाएगी। लॉगिन करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल का उपयोग करें, pmkisan.government.in पर सीएससी लॉगिन बटन पर क्लिक करके कृपया अपने प्रत्येक किसानों की मदद करें। तो यहां पर दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अगर आप सीएससी से पीएम किसानों की ई केवाईसी करना चाहते हो अभी, तो अभी के लिए तो ओनली फॉर जो स्टैटिक बायोमेट्रिक डिवाइस है उसी का उपयोग करके आप किसानों की ई केवाईसी कर सकते हैं। पर यहां पर अगर आप मंत्रा और मोर्फो से किसानों की ई केवाईसी करना चाहते हैं तो यहां पर आपको थोड़े दिन और वेट करना है। यहां पर यह जवाब नहीं दिया गया है कि कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा, पर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास में स्टैटिक बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप यहां पर किसानों की ई केवाईसी इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आगे कोई अपडेट मिलता है तो हमारे इस चैनल पर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। बस दोस्तों, इतनी ये छोटी सी अपडेट देने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।